तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप रेडमी 5A फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप EMI का 5A मोबाइल यूज करते तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने बाद आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। आपका फ़ोन कितना भी पुराना हो, चाहे आपका फ़ोन कितना भी ख़राब हो, आपका फ़ोन बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है, तो बस मैं आपको जो सेटिंग बताऊँगा उसको करना। उसके बाद आपका रेडमी 5A इतना फास्ट चार्ज होगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। मैं कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहूँगा या आपके फ़ोन में सेटिंग दिया होता जो आपको मोबाइल को फास्ट चार्ज करने के लिए दिया होता, तो उस सेटिंग को आपको करना है। तो यदि आप भी अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज करना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, उस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आ जाना अपने फ़ोन के सेटिंग में। उसके बाद आपको आ जाना अपने फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में। अब आपको डेवलपर ऑप्शन में आ जाना। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं करना है तो अबाउट फोन में जाकर EMI वर्जन पर 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहला सेटिंग बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको नीचे आने पर आप देख सकते हैं USB डॉकिंग का एक सेटिंग दिखाई देता है, तो ये आपके फ़ोन में बंद होता है, इसे आपको ऑन कर देना। इसको ऑन करने से क्या होगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो जो कनेक्टेड डिसकनेक्टेड बार बार लिखता है वह नहीं लिखेगा, इससे आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट सेटिंग, आपको इसको करने से आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। आप देख सकते हैं सेलेक्ट USB कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, ये आपके फ़ोन में मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर होगा, तो इसे आपको यहाँ पर चार्जिंग पर कर देना है। आप चार्जिंग पर कर देंगे तो आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। तो सबसे ऊपर वाले पर करके आपको इसे डन कर देना। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आना। चलिए मैं आपको और एक सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x MSAA, यह भी आपके सेटिंग बंद होता है, यह आपके फ़ोन में बंद होता है, इसे भी आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इससे भी आपका रेडमी 5A फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा, तो इसको ऑन कर देना। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आना। यहाँ पर देख सकते हैं डोंट कीप एक्टिविटी, यह ऑप्शन दिखाई देता है, तो इसे भी आपको ऑन कर देना। इससे भी आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। और उसके नीचे बैकग्राउंड प्रोफाइल लिमिट करके एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, यह भी आपके फ़ोन में इस पर क्लिक करना है। यह आपके फ़ोन में स्टार्टअप लिमिट पर होगा, तो इसे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर देना है। नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर देंगे तो बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं करेंगे, इससे आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा। तो यही सभी सेटिंग है जिसको आपको कर देना है। उसके बाद आपका रेडमी 5A फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज हुआ। तो दोस्तों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।